हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यौहार भी आने वाला है और ऐसे में हम बिज़ी भी नहीं रहना चाहते और घर पर ही मिठाई बनाना भी पसंद करते हैं। तो ये कैसे होगा? तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसमें आपको ना घी की ज़रूरत होगी, ना मावा, ना चाशनी, ना कंडेंस मिल्क। सिंपल घर की ही चीज़ों से ये मिठाई तैयार होगी, क्योंकि इस मिठाई को हम फटे हुए दूध से बनाएंगे, जिसे हमें वेस्ट नहीं करना है, और हलवा स्टाइल एकदम दानेदार कलाकंद मिठाई बनाएंगे। तो चलिए सबका दिल खुश कर देने वाली ये टेस्टी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी छेना है, दूध फट गया था तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ इसका कुछ नया बना लिया जाए। तो उसे मैंने ये छेना अलग कर लिया है पानी से, और इसी के साथ लिया है एक कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं। एक कटोरी लिया है दूध और आधा कटोरी चीनी। मेजरमेंट का आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई या पैन, और इसे हम अभी गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, नीचे ही हम कुछ तैयारियां पहले से ही कर लेते हैं। तो इस कढ़ाई के अंदर ये छेना हम डाल देंगे, इसी के साथ मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे, और अब हमने जो दूध लिया था उसे भी इस मिक्स के अंदर डाल देंगे और एकदम बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। यहीं पर पहले मिक्स कर लेंगे, बाद में गैस पर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है और इस तरह का घोल जैसा ये तैयार हो जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इस कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ाएंगे और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इस मिश्रण को गाढ़ा करेंगे, मतलब तब तक पकाना है जब तक ये जो मिश्रण है पैन ना छोड़ने लगे। तो देखा ना आपने, अब दूध भी फट गया है तो कोई टेंशन नहीं है, बस इसके साथ थोड़ा सा दूध और मिल्क पाउडर ले लीजिए और फटाफट से ये मिठाई तैयार कर लीजिए। और इसका टेस्ट इतना गजब का कि बाजार की भी मिठाइयाँ छोड़ देंगे, और दूध ना भी फटा हो तो भी इस मिठाई को बनाने के लिए आप जानबूझकर दूध को फाड़ देंगे। दूध फट गया था तो मैं सोचने लगी कि इसका क्या बनाऊँ, मेरे दिमाग में यही आया कि कलाकंद ही बना लिया जाए। और अब आप देख सकते हैं कि मिश्रण हमारा गाढ़ा होने लगा है, कंसिस्टेंसी आप देखिए दाना भी बढ़ने लगा है। तो अब इस समय हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी को हमें बढ़िया से मिक्स करेंगे। फ्लेवर के लिए मैं इसमें इलायची पाउडर ले लिया है, ये ऑप्शनल है, इसे डालना कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी मिठाई हमारी अच्छी ही बनेगी। बस 2 मिनट का आप समय लगेगा, चीनी बढ़िया से घुल जाएगी, क्योंकि चीनी डाली है तो चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। तो बस इसी के लिए 2 मिनट और पकाना है। अब ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी एकदम दानेदार वाला टेक्स्चर। अब ये मिश्रण एकदम अच्छे से तैयार हो गया है और कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो बस अब ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसे हमें ज़्यादा ड्राई नहीं पकाना है, ये थोड़ा थोड़ा गीला सा ही रहना चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसमें। अब एक प्लेट लिया है, इसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया, बिना ग्रीस किए भी इस बर्फी को आप इसमें जमा सकते हैं, और पूरे मिश्रण को इस प्लेट में डाल देंगे और स्पैटुला से इसे अच्छे से फैला लेंगे एक समान। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, तो थोड़ा सा पिस्ता बादाम की कतरन इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसे इस तरह से, और 1 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपको जल्दी है इसे खाने की तो फ्रिज में रखकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, और फटाफट से फ्रिज से निकालकर इस कलाकंद को खाएं। अब ये कलाकंद सेट हो गई है, ये एकदम तैयार है। अब हम इसे कट करेंगे, तो जैसा चाहे आप इसे इसके पीसेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और बहुत ही जल्दी, सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा इसे बनाने में। बहुत मुश्किल भी नहीं है इसे बनाना, इसे कोई भी बड़े आसानी से भी बना लेगा। एकदम बाजार जैसी कलाकंद बनी है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट, वो भी फटे हुए दूध से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।